नमस्कार, मैं परवीन अलावत और आप सभी दर्शक देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं बसपा पार्टी के रविंद्र तलाव। और आप सभी जानते ही हैं कि बसपा ने विधानसभा चुनावों में उम्मीद के मुताबिक परिणाम है वो हासिल नहीं किए हरियाणा प्रदेश की अगर कम से कम बात की जाए तो। और आप सभी जानते ही हैं लगातार बसपा हरियाणा प्रदेश में तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करती रही, गठबंधन टूटते रहे और कहीं ना कहीं बसपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं लगातार जैसे हम भी फील्ड में जाते थे तो वो भी एक चीज़ पूछते थे कि गठबंधन होने के बावजूद गठबंधन इतनी जल्दी कैसे टूटे जा रहे हैं। और आपको बता देते हैं सबसे पहले अभय सिंह चौटाला यानी नेलो पार्टी के साथ है, मायावती सुप्रीमो जो बसपा की है उन्होंने गठबंधन किया था और जब इनेलो एक थी तो गठबंधन होते ही लगातार एक हवा लहर सी उठ पड़ी थी कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आएगी। उसके बाद जेजेपी इनेलो से अलग हो गई, गठबंधन टूट गया। उसके बाद राजकुमार सैनी की पार्टी से बसपा का गठबंधन हुआ, वो भी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, लोकसभा चुनाव जाते जाते वो भी टूट गया। और अब जबकि विधानसभा चुनावों से कुछ ही समय पहले जननायक जनता पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन हुआ, 50-40 का बंटवारा हुआ, जेजेपी कार्यकर्ता बसपा के जो कार्यकर्ता थे सभी में मतलब एक खुशी की बात थी कि यह गठबंधन तो कम से कम टिकेगा। लेकिन वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती है रात को अचानक से एक ट्वीट किया और गठबंधन है वो तोड़ने की घोषणा कर दी। तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र तलाव। रविंद्र, स्वागत करना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यही है और कहीं ना कहीं जो बसपा के कार्यकर्ता भी लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार हरियाणा प्रदेश में गठबंधन करती रही, गठबंधन लगातार टूटते गए और विधानसभा चुनाव में जो उम्मीद थी पार्टी को उसके मुताबिक परिणाम नहीं आ पाए, क्या कारण मान के चले? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। पहली बात तो जब इनेलो के साथ जब गठबंधन किया गया तो एक मजबूत गठबंधन था वो। जी, लोगों में उत्साह हो गया था कि भाई ये गठबंधन सरकार की ओर अग्रसर हो रहा है, सरकार बनाएगा, पक्का सरकार बनाएगा। लेकिन उसमें बीजेपी ने एक ऐसी चाल चली और इनेलो के अंदर परिवार के अंदर ही फूट डाल दी, चाचा भतीजा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस कारण से आपने देखा जिन उपचुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ा। और उस समय जो चुनाव हुआ उस चुनाव ने हरियाणा की जो सियासत है उसको पलट के रख दिया। उस चुनाव में हमें बहुजन समाज पार्टी को 2014 के अंदर कम से कम 14,000 के अकॉर्डिंग हमें वोट मिले थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात की जाए तो 14,000 हमें वोट मिले थे। लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुआ वहां पर हमारा इनेलो और बसपा का जो वोट बैंक था वो 3,000 को भी कवर पक नहीं कर पाया। तो ऐसा जो मामला रहा इसकी वजह से बहन जी ने आदेश दिया और इस गठबंधन को तोड़ दिया। फिर राजकुमार सैनी की पार्टी के साथ आए। राजकुमार सैनी एक बीजेपी के प्यादे के रूप में निकले वहां से। और बीजेपी ने अपने प्यादे के रूप में उसे बसपा के पास भेजा। और जैसा कि हमने फिर लोकसभा चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के जहां पर भी कैंडिडेट थे, बहुजन समाज पार्टी या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, उन्होंने एक भी वोट बहुजन समाज पार्टी या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के वोटरों जो भी प्रत्याशी थे उनको नहीं डलवाई। उन्होंने सारे की सारी वोट बीजेपी को ट्रांसफर की। इसका जीता जागता उदाहरण हम झज्जर से देख सकते हैं। झज्जर शहर के अंदर कम से कम 3,000 वोट सैनी समाज की है जो राजकुमार सैनी के साथ हुआ करते थे, जो लगातार कहते हैं हम राजकुमार सैनी के साथ हैं। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो कुल 624 वोट झज्जर शहर से आई। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई राजकुमार सैनी की पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बीजेपी के को वोट डाला और एक भी वोटरों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को नहीं डाली, इसलिए टूट गए, इसलिए बहन जी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ा। तो लोगों में फिर उत्साह हुआ कि भाई चलो जहाँ तक देखा जाए गठबंधन ठीक तोड़े गए। लेकिन लोगों ने एक फिर आवाज आई कि बहन जी अभी विधानसभा का चुनाव है और सभी लोग हताश थे। तो देखा कि भाई एक और गठबंधन करके कि हम कोशिश करें। तो आवाज आ रही थी कि भाई जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। क्योंकि सब लोग हताश से हो रहे थे और 90 के 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ना था और पहली बार विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। आज तक का रिकॉर्ड है बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा के अंदर किसी भी विधानसभा चुनाव में
किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा था। आज पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया और जननायक जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया उससे लोगों में फिर से उत्साह पैदा हुआ। और लोगों में ऐसा हो गया था कि अब की बार ये जो सरकार है, ये जो गठबंधन है, किसान का मेरे वाला फिर से हो गया था, दोबारा गठबंधन हो गया था। हाँ। ये गठबंधन आज का नहीं, पुराना है, लेकिन हाँ। उसको जोड़ने का काम किया बहन जी ने। हाँ। वो गठबंधन फिर चालू किया, फिर देखा कि भाई लेकिन इसे जो दुष्यंत चौटाला है इनका रवैया कुछ ठीक नहीं रहा। जब सीटों के बंटवारे की बात आई, इन्होंने कह दिया कि हम 50-40 पे बंटवारा कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन जब सीटें मांगने की बात आई कि ये सीट हमें चाहिए, ये सीट हमें चाहिए, तब इसका रवैया बहुत खराब है। क्या बता सकते हैं कौन सी ऐसी सीटें थी जिसमें रार पड़ी, जहाँ को जहाँ उन सीटों को लेकर सहमति नहीं बना पाई दोनों पार्टियां? देखो, बहुत सारी सीटें थी ऐसी जहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर रह रहे थे, जैसे विधानसभा या और काफी है उधर से। हाँ। जगाधरी वगैरह, पृथला हो गया पृथला बिना गठबंधन के हम जीते हुए हैं। हाँ। तो इन सीटों पे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम ये सीट आपको नहीं देंगे। तो इस वजह से बहन जी ने देखा कि भाई जब ऐसा मामला आज कर रहा है, अगर सरकार, अगर इनकी ज्यादा सीटें आ गई तो ये तो हमें कहीं का नहीं मानेंगे। नहीं, वो गठबंधन तो चलो टूट गया, लेकिन बसपा के जो जितने भी आपके पार्टी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक बात बोल रहे थे रात को अचानक से गठबंधन तोड़ने की एक ट्वीट करके घोषणा कर दी गई, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कई सवाल थे उनके मन में, अचानक से कैसे एकदम से हुआ ये? देखो, ये जो मामला हुआ ये एकदम से नहीं हुआ था। इसमें 5 सितंबर को प्रदेश की मीटिंग की गई। हाँ। जो करनाल के अंदर मीटिंग थी वहां पर मीटिंग हुई। पहले उसमें चर्चा हुई कि भाई इस गठबंधन के बारे में क्या किया जाए। फिर उसके बाद 6 तारीख को बहन जी ने दिल्ली बुलाया, वहां पे फिर चर्चा हुई कि इस गठबंधन के बारे में क्या हो जी। फिर उसके बाद जाके उन्होंने जब शाम तक पूरी चर्चाएं हुई, जो रोहतक लोकसभा के लोकसभा प्रभारी जितने भी थे, लोकसभा प्रभारी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट के जितने पदाधिकारी सारे वहां पर पहुंचे और उन्होंने सारी बातें वहां पर रखी। तो बहन जी ने सारी बातों पर विचार करते हुए जब गठबंधन को तोड़ा था। जी जी। ऐसा ही नहीं है कि भाई एकदम से इस गठबंधन को तोड़ा। चलिए, गठबंधन वाली बात हुई तो अब तक आपने एक चीज और बताया आपको, ये जो चीजें बताई जाती है हमारे कार्यकर्ताओं को हताश करने के लिए बताया जाता है। हाँ। कि गठबंधन एकदम से तोड़ जाता है। हाँ। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि कारण क्या रहते हैं। ये मीडिया जो है, आज की जो मीडिया है, हाँ। आप देख रहे हैं, मैं आपके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जो आज जो मीडिया है, मोस्टली मीडिया, वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। उसकी वजह से जो ओरिजिनल चीजें हैं, ओरिजिनल बातें हैं, वो कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाती। जी जी, बिल्कुल, कारण बहुत ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, आपने बताया कि 3 गठबंधन इसलिए किए गए, तो क्या ये मान के चलें क्या बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ने में क्या सक्षम नहीं है प्रदेश में, और अगर सक्षम है तो फिर भी परिणाम है उसकी उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं आते? क्या दलित वोट बैंक और कहीं ट्रांसफर हुए जा रहा है? क्या लोग हैं आपकी पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से? कारण क्या रहते हैं? मतलब देखिए, एक तो जो मीडिया है, मीडिया मेन टारगेट रहती है। हाँ। साहब काशीराम जी ने कहा था कि भाई 3 चीजें हैं इंडिया के अंदर, अगर 3 चीजों से हम बच जाते हैं तो हम सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। हाँ। मनी, हाँ। मीडिया और माफिया जी। और आज आप देख रहे हैं जो बीजेपी सरकार है वो इन 3 चीजों को कब्जे में किए हुए है। मनी के मामले में इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। हाँ। मीडिया के मामले में सारे जो मोस्टली पत्रकार हैं, हाँ। वो इनके हाथों की कठपुतलियां हैं। और माफिया, इनके पार्टी में पता नहीं कितने गुंडे हैं। हाँ। ये इन लोगों को डरा धमका करके वोटों को डलवाने का काम करते हैं। हाँ। और इनमें सबसे बड़ी चीज एक चीज और रहती है, जो आज ईवीएम मशीन है उसमें बहुत बड़ी हेराफेरी की जाती है। ईवीएम को लेकर बसपा पार्टी हमेशा सवाल उठाती है, जो दूसरी पार्टी है वो कभी कुछ बोल क्यों नहीं रही? कारण क्या है? मतलब कारण उनका निजी कारण होगा। हाँ। या तो वो डरे हुए हैं। हाँ। या उन पर कोई दबाव होगा इसलिए नहीं बोलते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो हमेशा स्टीक जवाब देती है और स्टीक सवाल पूछती है। तो इसलिए ईवीएम पर सबसे पहला सवाल बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया था और वो आज तक इसी को उठाते रहती है। जी जी। जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा तब तक इस देश में ये जो राज है, जो
निचले तबके का राज है, जो शोषितों का जो राज है वो तब तक नहीं आएगा। भाई एक एक, एक, एक बाम सेफ का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, जज्जर में यात्रा आई हुई थी, वैसे बाम सेफ के कई संगठन है लेकिन उसमें भी मैंने करीब से देखा कि ईवीएम को लेकर काफ़ी तीखा प्रहार है बाम सेफ के कार्यक्रम में किया गया। वो लगातार ये बताया भी गया कि ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा घपला है, वो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। खैर चलिए, अब ये बता दीजिए आप, जो पहले आपका परंपरागत वोट माना जाता था, कम से कम जो दलित मजदूर वर्ग जो होता है वो आपकी जो बसपा पार्टी है उसका परंपरागत वोट माना जाता था, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका परंपरागत वोट है वो भी आपसे खिसके जा रहा है? क्योंकि रमेश दलाल आपके काफ़ी मजबूत प्रत्याशी थे, बेरी से सिर्फ 8,500 वोटें हैं वो हासिल कर पाए ना, उसमें हम किसान की वोटें गिन सकते ना कमेरे की वोटें गिन सकते, क्योंकि आपका जो दलित वोट बैंक है वो भी शायद बेरी विधानसभा क्षेत्र में कई हज़ार का है। ऐसे ही अगर बादली की बात कर लें, चाहे हम जज्जर की अगर बात कर लें, चाहे बहादुरगढ़ की बात कर लें, तो शायद आपका परंपरागत वोट बैंक है इसकी अब की बार खिसकता नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, परंपरागत वोट बैंक हमारा कोई परंपरागत वोट बैंक नहीं है। हम ना तो किसी लंबी चौड़ी विरासत के हमें दावेदार हैं, हाँ हाँ। और ना ही हमारा कोई पीछे राजनीतिक कैरियर रहा है। हाँ। साहब काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई वो एक साइंटिस्ट के पद पे थे, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से तो वो जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने बनाया, हाँ। उन्होंने लोगों को जोड़ा, हाँ। जब उन्होंने जोड़ना शुरू किया तब सबसे पहले हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग उनसे जुड़े, फिर बैकवर्ड क्लास के भी लोग उनसे जुड़ने शुरू हुए, अब आज हमारे हमारे बहुजन समाज पार्टी के अंदर स्वर्ण जाति के भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। आप देख सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और भी बहुत सारे हमारे गिरिराज नहीं वो, वो वो बिल्कुल सारे हमारे पास ये जुड़े हुए हैं। तो पार्टी के पास हर कास्ट के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो बात मैंने आपकी मानी, लेकिन एक जो मोहर लगी हुई है बसपा के ऊपर वो तो कम से कम एक दलित वोट बैंक की लगी हुई है और वो तक भी आपकी पार्टी हासिल नहीं कर पा रही, तो कमियां बताइए, कमियां क्या रह जाती है? मतलब कमियां यही चीजें हैं इसके अंदर जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, हाँ। मनी, मीडिया और माफिया जी, ये सबसे बड़ी कमियां हैं। कमियां यही है कि लोगों को डरा धमका करके काम करते हैं, और दूसरा कुछ लोग बिक जाते हैं, हाँ। तो मनी के मामले में वो बिक जाते हैं, हाँ। और मीडिया कुछ लोग की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जो दिखाई देता है उसमें चलने की कोशिश करते हैं, तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये सबसे बड़ा कारण रहती है। और साहब काशीराम जी ने हमेशा इन तीनों चीज़ों पर प्रहार किया, और तीनों चीज़ों के कारण है अम्बेडकर साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा 1952 में, वो भी इन्हीं कारणों से आ रहे थे। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को एक दूध वाले से हरवा दिया गया था, उनका ही कुक हुआ करता था, हाँ हाँ। तो उनसे हरवा दिया गया था, हाँ। तो ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन हमारा परंपरागत वोट बैंक आप जैसे बता रहे हैं दलित वोट बैंक ये नहीं है। हम सबको जोड़ने के काम करते हैं हम, हाँ। बहन जी का आज नारा भी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाँ। तो हर इंसान का एक 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 सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में शायद 3 से 4 बड़ी रैलियां हैं की थी, 4 रैलियां की थी, और बेरी में भी एक रैली की थी, तो पहले ये बताया जाता था क्योंकि अभय सिंह चौटाला तक बसपा सुप्रीमो को हरियाणा में नहीं ला पाए थे एक मंच पे, मायावती यहाँ पर आई हरियाणा में, और पहले ऐसा बोला जाता था मायावती के आने से एकदम क्रेज बढ़ता था बसपा का, वोट बैंक है एकदम से बढ़ोतरी उसमें होती थी, वो भी अब की बार देखने को नहीं मिल रहा। क्या आप मानते हैं ये बसपा के लिए हरियाणा प्रदेश में चिंताजनक बात हो सकती नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहाँ पर भी बहन कुमारी मायावती जी जहाँ पर पहुंची है, हाँ। उनके आसपास जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, हाँ। उनमें वोट बैंक बढ़ा है, हाँ। 2014 के विधानसभा चुनाव के अकॉर्डिंग अब की बार वोट बैंक ज्यादा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि वोट बैंक घटा है, हम ये मान सकते हैं कि एक सीट नहीं आई, लेकिन ये चीज नहीं कह सकते कि हमारा वोट बैंक घटा है, वोट बैंक 2014 के मुकाबले बढ़ा है, और अभी लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग भी वोट बैंक हमारा बढ़ा है, तो वोट बैंक के घटने का हम नहीं कह सकते। जी जी, क्या ये भी मान के चलें बसपा बेहतर परिणाम हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि लगातार बसपा के साथ नेता जुड़ते तो हैं, और जब एक बार इलेक्शन खत्म हो जाता है, हो सकता है वो जब नेता बन जाते हैं बसपा को छोड़ के चले जाते हैं, क्या ये भी एक कमी रह जाती है शायद संगठन में, क्योंकि बसपा से चुनाव लड़ते हैं लेकिन अगली बार जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, नेता बन जाते हैं, लेबल लग जाता है, तो अन्य पार्टियों का दामन थाम लेते हैं, क्या ये भी संगठन कमजोर होने का एक कारण हो सकता है? देखो, ये चीजें तो राजनीतिक पार्टियों में चलती रहती हैं, लेकिन बसपा के साथ ज्यादा होता है, लेकिन बसपा के साथ ज्यादा कुछ ऐसा होता है, लेकिन हम उन लोगों को चाहते हैं कि वो अपने घर में आए, जब यहाँ से वो कैरियर शुरू करते हैं बाद में जाकर कहाँ चले जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहता। आज आप देख सकते हैं जिस भी आप
किसी भी नेता को उठा करके देख लीजिए, किसी का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए जो बहुजन समाज पार्टी में था, आज उसका क्या वजूद है? जो बहुजन समाज पार्टी जिसने शुरुआत की वो आज कहीं भी नहीं है। हाँ। वो खत्म हो चुके हैं। आप झज्जर से ही देख सकते हैं, कप्तान मृधाना बहुजन समाज पार्टी के 2009 में अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभरे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसमें इनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन आज इनका देख सकते हैं आप क्या वजूद है। बीजेपी पार्टी में गए, उन्होंने भी टिकट नहीं दी। इन लोगों का कोई वजूद नहीं रहता। तो ये चीजें हर जगह हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता वो कहीं भी फिट नहीं हो सकता। हाँ। वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी में फिट हो सकता है। मैं सभी अपने जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व में नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, जो किसी भी भूल से या बाहर चले गए, उनसे सबसे अपील करता हूँ कि अपने घर में आ जाए, आपका सम्मान आपके घर में ही होगा और कहीं भी आपका सम्मान नहीं। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ लेता हूँ। मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया था कि आरक्षण के मुद्दे पर बहस हो जानी चाहिए, तो कैसे देखते हैं आप मोहन भागवत के उस बयान को, क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं आरक्षण पर बहस करो। हाँ, करो बहस जी, आरक्षण के ऊपर बहस करो कि भाई जो निचले तबके का जो लोग है उसको आज तक आरक्षण का फायदा क्यों नहीं मिला। आज स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण दे दिया गया। हाँ। बहन कुमारी मायावती जी ने उसका उसका समर्थन किया, लेकिन समर्थन किया कि गरीब लोगों को दिया जाए, उन लोगों को दिया गया कि जो 8 लाख जिनकी सालाना इनकम है। हाँ। आरक्षण की समीक्षा वहां पर भी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन समीक्षा करते हैं वहां पर जहां पर इनको दिखता है कि भाई जो आरक्षण का लाभ उठा करके हमारे बराबरी कर रहे हैं। हाँ। वहां पर समीक्षा करना। मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, सहमति हम सहमति उनकी तरफ से है। हाँ। लेकिन हम सहमत हैं कि आरक्षण पर समीक्षा करो। हाँ। लेकिन ढंग से करो। हाँ। ऐसे नहीं कि भाई सबका खत्म कर दो। हाँ। क्रीमिलेयर है, आज के टाइम पर क्रीमिलेयर लागू है, बैकवर्ड क्लास में है, बैकवर्ड क्लास को तोड़ रखा है, बीसीए भी बना रखा है, उसे तोड़ने का काम किया। आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास में कितने लोग फायदा उठा पा रहे हैं, उनको तोड़ने का काम किया। और बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण मिलना चाहिए था 52%, वो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। तो समीक्षा इस चीज की भी होनी चाहिए। जी जी, संघ के एजेंडे को कितना क्या अच्छा मानते हैं, खतरनाक मानते हैं आरएसएस को? क्योंकि अब तो हरियाणा प्रदेश में भी जब से भाजपा आई है आरएसएस का काफी जिक्र होने लगा है, और अब तो हमारे यहाँ भी बता देते हैं आदमी ये फला भाई साहब हैं आरएसएस से हैं, तो देश के लिए कैसा मानते हैं बसपा, कैसा मानती है आरएसएस को? आरएसएस देश को हमेशा तोड़ने का काम करती है जी। आरएसएस ने आज तक देश में हिंदू मुसलमान करवाया। शुरुआत इसने हिंदू मुसलमान की। एक पोस्ट आई हुई थी, मैंने देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि भाई 1947 से पहले हर जो भारत का नागरिक हुआ करता था, हाँ, हिंदुस्तान कहा करते थे पहले, तो वो हिंदुस्तानी होता था, लेकिन 1947 के बाद देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो गए। वो क्यों हुए? वो इसी आरएसएस की जड़ है, इसी आरएसएस की वजह से आज हिंदू मुसलमान है, नहीं तो हिंदू मुसलमान नाम का कोई चीज नहीं हुआ करती थी। आप देख सकते हैं पहले हिंदू मुसलमान का कितना भाईचारा रहा करता था, लेकिन आज बीजेपी सरकार जो बनी है, जो आरएसएस के कारण बनी है, उसने हिंदू मुसलमान का जो दायरा था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ। तो ये चीजें बहुत इनकी देश को तोड़ने का काम करती जी, 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 जी। जो परंपरागत एससी वोट बैंक है कांग्रेस एफएसए हासिल कर गई है, जज्जर रोहतक सोनीपत की अगर बात की जाए तो ये चिंताजनक बात है आपकी पार्टी के लिए, और कांग्रेस पर क्या कहेंगे जो एससी वोट बैंक भी अब तो कांग्रेस कांग्रेस तो कांग्रेस का जो हाथ का निशान है वही इनके लिए कहने के लिए काफी है। हाँ। जिस चीज को इन्होंने आज तक मजबूत किया, हाँ, हाथ के निशान को, हाँ, वही हाथ इनके मुंह पर तमाचे के रूप में पड़ा है। हाँ। जब तक ये इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक ही ऐसे ही पिटेंगे। इससे इनको समझना पड़ेगा, और समझना आज नहीं पर समझेंगे तो कल समझेंगे, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा। क्या लड़ाई आज भी बराबरी और समानता के अधिकार को लेकर ही चल रही है? देखो, कहां तक हासिल कर पाए, लक्ष्य कितना बाकी है? हमारे जितने महापुरुष हैं उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि समता मूलक समाज बनाया जाए। गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, छोटे बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो सबने एक ही बात कही है कि भाई जो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको समान मिले, समतामूलक समाज बने। तो यही चीज हमारी बराबरी की लड़ाई है, ये हमेशा चलती रहेगी जब तक ये बराबरी नहीं हो जाती, समतामूलक समाज। आज भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, संत रविदास का दिल्ली में जो मंदिर ढहाया गया, और एक तरफ राम मंदिर को लेकर काफी चर्चा छिड़ी बनाने को लेकर, दूसरी तरफ संत रविदास का जो काफी प्राचीन मंदिर था ढहा दिया गया, तो आज भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कितना आहत है समाज, है वो ठगा हुआ महसूस करता है खुद को। बहुत चिंता की बात है, जिसने संत गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा दिया, इस समाज को ऊपर उठाने के लिए लगा दिया, इस समाज को समझाने के लिए लगा दिया, उसको जो जमीन दी गई थी उस जमीन को आज नहीं बचा पा रहे, इतनी इससे बड़ी चिंता की बात और क्या होगी। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। तो ये चीजें अब हमें समझनी पड़ेगी। हमें अब हमारा तो लक्ष्य एक ही है। हाँ। कि भाई देश के अंदर
समानता की बात की जाए और समानता के बारे में लोगों को समझाया जाए, इन चीजों को मैंने तो आज से एक प्रण कर रखा है कि जो जो आज भांड मीडिया है, जो आज ये बिकाऊ मीडिया है, उसको उसको देखना बंद कर दिया गया और इनका इनके बारे में प्रचार करना पड़ेगा कि इनको देखना बंद कर दो, जो सच्चाई दिखाता है उसको दिखाओ, आपकी जो न्यूज चैनल है सबकी खबर इसको दिखाओ, ये चीजें दिखानी होंगी। जब तक ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे तब तक लोग गुमराह होते रहेंगे। जी जी, क्या उस चीज़ के लिए तैयार हो? कहीं ना कहीं दबी जुबान में इस चीज़ का जिक्र आप मानिएगा होने लगा है कि भाजपा है आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर सकती है, उसकी हिट लिस्ट में है। क्या इसको लेकर आपका संगठन प्रिपेयर है, आप लोग हैं इसको लेकर तैयार हैं? हम हमेशा के लिए तैयार रहते हैं, हमें कभी भी जहाँ भी जरूरत होती है हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन हमें जो आज बहुजन समाज पार्टी है वो केवल और केवल संविधान पर चलती है। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी ने आज तक का मैनिफेस्टो कभी भी आज तक के जितने भी चुनाव लड़े हैं उन्हें मैनिफेस्टो नहीं जाहिर किया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये लोगों को गुमराह करने के लिए मैनिफेस्टो निकालते हैं और काम ऐसे करते हैं कि पहले तो जो मैनिफेस्टो दिया सोचेंगे उन्हीं में से करेंगे, बाद में उनमें से भी 1% काम करते हैं वो भी नहीं करते, तो ये चीजें ये करते रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी भी मैनिफेस्टो नहीं देती, वो हमेशा संविधान के दायरे में रहती है और हमेशा काम करके दिखाती है, कहने में विश्वास नहीं करती। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर, चलेगी नहीं चलेगी? इस बारे में देखो जो सरकार है वो क्या रहती है क्या नहीं वो अभी पता चल जाएगा इनको भी। आप क्या मानते हैं, चलेगी नहीं चलेगी? देखिए ये बात तो जो ओम प्रकाश चौटाला हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कहा था कि भाई कुछ दिन पहले के वीडियो आई थी, भाई ये तो हमारे पोते हैं, ये हमें ही नहीं मानते और दूसरों को मानेंगे, और अब हमने भी देख लिया, पहले आम आदमी पार्टी ने देख लिया, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया लेकिन नहीं चला, हमारे साथ किया, हमारे मतलब आपके मुताबिक नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से तो चलने वाला। हाँ चलिए, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें रविंद्र आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा एक ही संदेश है कि भाई जो समतामूलक समाज बनाने की जो जिस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है उसको आगे बढ़ाने में आप लगातार काम करें, और मैं तो अब यही काम है कि भाई गांव-गांव जा कर के कैडर लगाना है और कैडर के अकॉर्डिंग जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, और तभी जा कर के लोगों को समझाया जाएगा और तभी जाके इन लोगों को जो गुमराह हो रहे हैं उन लोगों को बचाया जाएगा, और तभी जाके बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज इस देश के अंदर जो बनाने पर हमें लगे हुए हैं वो बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका। तो ये थे पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बसपा के प्रभारी थे रविंद्र तालाब, और तमाम पहलुओं पर बड़ी बेबाकी से इन्होंने बातें रखी है। तमाम सवालात हमने इनसे किए हैं कि पार्टी लगातार गठबंधन करती रही, गठबंधन टूटते रहे, क्या वजह रही, और जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा उस पर भी रविंद्र तालाब ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जो कई सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा मजबूत थी, पृथला का बताया इन्होंने, अथीन का बताया कि उन सीटों को लेकर रार चली जहां पर बसपा मजबूत थी, और ये कारण भी ना है कि गठबंधन क्यों होते रहे, बार बार क्यों टूटते रहे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जो वोटर है, मतदाता है, उस पर भी अपनी टिप्पणी इन्होंने खुले तौर से रखी। हालांकि मीडिया पर भी भड़ास निकाली है कि मीडिया किस तरीके से जो भाजपा के साथ मिलकर किस तरह का खेल रच रहा है उसको लेकर भी बसपा लगातार आहत है। ईवीएम का मुद्दा भी बसपा के जो पदाधिकारी थे पूर्व रोहतक लोकसभा क्षेत्र के रविंद्र तालाब, उन्होंने उठाया, और तमाम पहलुओं पर अपनी टिप्पणी इन्होंने रखी। और फिलहाल इस हमारी खास पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।